अस्सलाम वालेकुम, ये लाइव हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई नगर ये देखो कुछ डाल दाल मशीन के अंदर ये शेजर का जो खाने के लिए मशीन चालू है सरसों का तेल निकाल रहे हैं। अब इसको घुमा के भी देखें क्या तेल यहाँ से निकलता है। हाँ वो तेल जब निकालेगा तब निकालेगा। तो अभी देखो बंद है, तेल नहीं है, थाल में तेल नहीं पड़ा हुआ, खाली पड़ी है थाली। खाना रहता है इसको हटा के दिखाने के लिए कि अभी कुछ भी नहीं है, थाल खाली पड़ी। हाँ भाई ये देखो ऑयल का मशीन चल गया, ये भी इनका अपना सरसों का तेल निकाल रहा है, सरसों का तेल निकाल रहा है। अब इसको यहाँ स्टॉप करो, लोग यहीं स्टॉप कर दो, स्टॉप स्टॉप करो। तो क्यों करेगा? हाँ तो चलने का बैठ जाए तो बस बैठ रहे हैं। हाँ तो निकाल तो सही, भाई ये सरसों का तेल निकाल रहा है। देखो शेजत का दुकान है तेवाल का, ये पाकन तेल देखो, ये ऊपर टंकी लगा है, टंकी में डालता है इसके पाकन तेल निकाल है। साफ सुथरा, साफ सुथरा तेल, एक नंबर। हाँ वो निकल शुरू हो गया, अभी ये पिसाई होगी। हाँ ये तेल लाइव तेल निकल रहा है सरसों का, बिल्कुल ओरिजिनल, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सरसों, फेवर सरसों, एक दाना कचरा मिट्टी कुछ भी नहीं, एकदम साफ सुथरा। ना देखो मिट्टी भी हाथ में नहीं लगेगी, इतना क्लियर है। तो यहाँ तरीके से साफ सुथरे तरीके से दिया जाता है और एक दाना भी मिलावट नहीं होगा। आप आए खुद अपने सामने बैठ के भी निकाल सकते हैं, सही है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर रास्ता कर सकते हैं, लाइट की टाइमिंग देख कर आए। नंबर है 03136705375 है, सही है। दूसरा नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03016102502। ये मूसा कॉलोनी मछली मार्केट में आप आओगे, किसी से भी पूछो, एक ही मशीन लगी है मूसा कॉलोनी में, शेजाद मार्केट में। आपको पूछा रमजान आई डी की दुकान कौन है, मेरा नाम शेजाद है, सही है। मैं इधर ओनर हूँ, काम करता हूँ, और आपका काम बेहतरीन। आप ऑर्डर सरसों नहीं, बेहतरीन चीज़ खोखा हो, नारियल हो, तिल हो, जो चीज़ हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, व्हाट्सएप पे मालूम कर सकते हैं। और आज मैं आपका साथ पड़ेगा, मार्केट की लोकेशन है, ये मार्केट दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बार से माल निकल रहा है, ये देखें, ये मछली मार्केट का मेन जगह है। यहाँ से मछली मार्केट के अंदर सब्जी मार्केट में अंदर एंट्री कर, सब्जी मार्केट में आओगे, आने के बाद ये आपको मेरा काले 8वें नंबर पे दुकान है, 8 दुकान के बाद नवी दुकान यही है। चल इधर का डाल, इधर का डाल, ये लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लेना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, तो बेल आइकन को दबाना। ये देखो शेजाद का भाई मशीन खाली खाली सरसों का टेस्ट हुआ, इसे कुछ तेल निकल गया, अभी तेल आना शुरू हो गया, आएगा सजना।
ये हमारे हनीफ भाई की यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे काम करते, पौधे उगाना इनको माशाल्लाह बहुत सारे तरीके भी आते हैं, जिनको अगर इनके बारे में मालूम करनी है तो वो हनीफ भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से काम ढूंढा है कि कहाँ अच्छी चीज़ मिलती है। ऐसे ही आपको बहुत सारी जगहों पर लेके जाएगा जहाँ सस्ता और अच्छा काम होता हो और बेहतरीन काम होता हो। तो आपको चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आपको अच्छी चीज़ें मिलती जाएँ ताकि चैनल के साथ रहें, लाइक करें। जितना फॉलो करोगे उतना ही आप लोगों के लिए माशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे हनीफ भाई। स्टार्ट हो गई है, तेल भी आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इधर पे जूम करो, दिखा रहा हूँ आपको ऑयल अंदर। देखो ये दिखा रही थी क्या? अभी तक कुछ भी नहीं डाला, पूरी लाइव वीडियो से एक कचरा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं डाला। पानी में जाते ऐसी कोई कहानी नहीं है, पानी की बात नहीं होती। बात थोड़ा सा नम करना पड़ता है दाने को, नरम करने के लिए। और मजीद ज़्यादा डालोगे वो नुकसान है। 5 किलो के अंदर 100 ग्राम के करीब पानी लगता है। कितना लगता है? 100 ग्राम। वो भी आपको तब लगता है जब इसकी घानी के अंदर तले में जाके गर्म होता है लकड़ी होके, तो जल जाता है। और कोल्हू के बेहतरीन फ़ायदे ये हैं कि कोल्हू का जो तेल है ना, उसके अंदर कोई लोहे के दर्रात नहीं आते, इसे लेबोरेटरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम स्पेलर पे निकालते हैं ना, स्पेलर पे क्या होता है, एक तेल हीट हो जाता है और हीट होने के बाद उस तेल को कोई कारमार नहीं होता उन्हें लगाने। अब देखो हम तेल का अगर चूल्हे पे गर्म कर लेते हैं, सर पे लगा सकते नहीं लगा सकते, ऐसे ही वो हीट से निकलता। फिर उसमें लोहे के दर्रात आते जो इंसान को नुकसान दे रहे हैं, खाने में नुकसान देते हैं। फिर ये फेवर देखो, ये पूरी लकड़ी है, यहाँ भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है। ये देखो ये पूरी लकड़ी है, देखो कैसा गड्ढा आया। ये लकड़ी है, ये पूरा प्लांट जो है ना लकड़ी से बना हुआ है। ये लकड़ी है, फिर बाकी लोहे का सिस्टम है, लेकिन ये जो पीस रहा है ना, ये लकड़ी से पीस रहा है। ये चैलेंज है हमारा। ये दोनों देखो, ये निशाना है लकड़ी का, ये देखो हथौड़ी मारी निशाना की लकड़ी पे। ये पेवर लकड़ी का काम होता है हमारा। जो ये मसला क्या था, लोग इसलिए नहीं लगाते कि एक तो मेहनत, ये टाइम लगाता है निकालने में। इसमें लाजमी बात है, जब ये अपने हल्के से गर्म होता है, अपने हिसाब से गर्म होता है, नॉर्मल गर्म होता है, तो इसको 1.5 घंटा तेल निकालने में लगता है। वो डालो निकाल दो, क्योंकि हीट लग रही होती है, चूल्हे की हीट लगती है, वो चीज बेकार आएगी। तो इसलिए कोल्हू का तेल पहले भी पायदार था और आज भी पायदार है। तो इस मारे हम आपको ये दिखाने और समझाने का मकसद यही है कि आप कहीं से भी लो, लेकिन कोल्हू का तेल सामने निकाल के लो, सही है। और ये पानी वाटर इसके अंदर जब ये चलता ना रगड़ता है, ये गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो 100 ग्राम पानी खत्म हो जाता है 5 किलो में, वही 5 किलो में सिर्फ 100 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। फिर वो डालोगे तो तेल में आ जाएगा। तो बात यही है कि इस चीज़ के पानी के बगैर कुदरत में आटा भी नहीं घूमता, आटा भी नहीं घूमता। जो चीज़ है हकीकत, झूठ बोल के सौदा बेचते नहीं, हलाल कमाते हैं, हलाल तरीके से काम करते हैं। जो ना बड़ा हो रहा है दूसरा भी खत्म हो गया। अभी रुक जाओ, ये लकड़ी खोलने वाला है 2 मिनट में, आपको लकड़ी खोल के दिखाएगा 2 मिनट में। ये थोड़ा बहुत जब ये गुंडाई हो रहा था ना, तो ये तो इसको घूमने के लिए हल्का का यूँ छिमका मारना पड़ता है, छिमका मारना पड़ता है, ताकि ये घूम के इसकी गुंडाई हो जाए और ये अपनी एक शेविंग में आ जाए। देखो एक शेविंग में आएगा तो तेल बनेगा। अगर छिमका नहीं लगेगा ना, तो ये तेल की जगह पाउडर बन जाएगा। आटा नहीं बनाना, तेल निकालना है। और इसको भी वो भी टाइम होता है, टाइम होता है, हर टाइम पर नहीं लगेगा। तो इसलिए ये चीज़ को आपको समझाने के लिए और बेहतरीन तरीके से, अब ये तेल बिल्कुल एंड होने वाला है, कि वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन हम आपको इसको लाइव ही दिखा रहे हैं। लाइव के चक्कर में लगे हुए कि आपको पूरी वीडियो निकलते हुए मैं लाइव दिखाएँ। तो अभी जितनी स्पीड हम आना चाह रहे हैं आपको, इतनी स्पीड में हम काम करना चाह रहे हैं कि आपको वीडियो भी छोटी लगे और काम भी आपका बेहतरीन हो जाए। और चलो ठीक है, ये दाना है, ये सरसों का दाना है, सरसों का दाना, बिल्कुल सरसों का, ये पूरी। और हमारे पास MF कंपनी का आता है, दाने में एक कचरा नहीं होगा। एक कचरा जो होता है ना, फली दाना मिट्टी रेत कुछ भी नहीं होगा, साफ सुथरा। और बाकी जगह पर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, डले वाली मिट्टी, फलाने मिट्टी, ये मिट्टी। तो बहरहाल अभी आपको इंशाल्लाह ये खोल के दिखा देते हैं, 2 मिनट में खोलने वाले हम लोग। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, तेल निकलते हुए तक एंड करना है। रुक जाओ, तेल बिल्कुल निकल जा रहा है। मैं ये भी दिखा दूँ, खाली ऊपर नहीं निकल रहा, ये तेल नीचे भी निकलेगा। फिर आपको इसमें से हम आपको भी, आपने भी तेल बोला, आपको भी हम तेल देते हैं, ये निकलता हुआ। मैं से आप बैठिए आराम से, मैं ये यहाँ से हटा दें, ताकि मेरे एक वीडियो और बना रहता है नहीं ना, फिर वो लाइव जो है ना खत्म हो जाएगा। फिर बोलेंगे आपने काट के बाद में क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया, हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। 10 मिनट की वीडियो है, कुछ 10-15 मिनट में हम आपको मोहब्बत में आपसे इतनी स्पीड में काम किया है, 1.5 घंटे से पहले काम नहीं करते, लेकिन आपके लिए जल्दबाजी की मशीन को हमने सुबह एक माल निकाला हुआ था, ये दूसरा माल निकाल रहे हैं। जब मशीन में माल दूसरा निकल जाता है ना, उसके बाद थोड़ी गर्म हो जाती है, लाइट की टाइमिंग कवर हो जाती है। ये देखो इधर ले आए, ये देखें, अब यहाँ से हम ये इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। पहले थोड़ा सा इसमें इसका अपना वो आएगा,
116 का वो चल वो तो सरिया इसे रखो वीडियो सामने ही रखो वीडियो सामने रखो ये देखो अभी ये थोड़ा बहुत इस पर अभी हम इसको अंदर से ये देखो थोड़ा पीछे करके रखो थोड़ा पीछे करके ताकि दिखे ऊपर कुछ भी नहीं डाले ताकि ये भी लगे कि ऊपर कुछ डालने हो ऐसी कोई कहानी नहीं है देखो ये ऐसे आ रहा है इसके बाद थोड़ी देर में ये हम ये ऑफ सीप पर जाएगा इसमें बिल्कुल साफ होकर तेल निकलेगा एकदम क्लियर अभी ये थोड़ा ऐसा निकला अभी ये तो कचरा आएगा थोड़ा कचरा नहीं है ये पतला होता है जब दूसरी दफ़ा ये डलेगा तो इसका अपना एक लिक्विड कलर आ गया ये अभी लिक्विड की तरह आ रहा है अभी ये जब डलेगा ना तो ये लिक्विड चेंज हो जाएगा इसका पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा सही है आपको अभी ये देखो अभी ये लिक्विड जो है ना अभी ऊपर जाएगा मशीन के अंदर ही तो पहले मैं इसको लकड़ी लगाएं हाँ ताकि ये नीचे चल नीचे माल में कचरा ना गिरे खली ना गिरे हम साफ सुथरा माल काम करके देंगे आपको ये फिर अब इसमें जाएगा ना तो ये बिल्कुल अगली दफ़ा जो तेल की पोजीशन पे आएगा तेल सही अब देखो ऊपर देखो पोजीशन बन रही है तेल की पोजीशन ऊपर देखो पहले ऊपर उसके अंदर देखो मशीन के अंदर आपकी थोड़ा हाथ पता है यार हाँ लेकिन ये देखो खुशबू देखो कैसी है भाई तो ये खुशबू एकदम बेहतरीन चीज़ की है देखो ओरिजिनल चीज़ में खुशबू आनी चाहिए अभी देखो बिल्कुल तेल एकदम यहाँ पर ये एकदम तेल तैयार होगा तो अभी दोबारा जब खोलूँगा ना तो फिर ये तेल एकदम साफ सुथरा तेल निकलेगा और 10-15 मिनट के बाद ये तेल रखा रहेगा ना ऐसा साफ हो जाएगा अंडे की तरह VIP जो सरसों के अंदर कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी तो पता गर्म चीज़ हर चीज़ गर्म कोई भी खाना भी हो ना वो भी मुँह जलाएगा उसको भी ठंडा करके खाना पड़ता है तो यही बात इसके अंदर भी है आओ अब देखो आप इंशाल्लाह हम आपको नीचे की साइड पर लेके चलते हैं और ये देखें अब आपके सामने तेल का दीदार कराएंगे ये एक दो इसके बाद अब साफ होना चालू हो जाएगा ये जो थोड़ा बहुत रुका हुआ था ना वो ऐसे आया अब देखो लिमिट पर आ रहा है नीचे तेल आ रहा है चालू ये छन रहा है छन्नी लगी हुई है कि छन रहा है और जितने देर अब चलता रहेगा और भी साफ होता जाएगा देखो तेल आ रहा है ये देखो बिल्कुल आयल आ रहा है एकदम आयल और ये देखो बिल्कुल क्लियर आयल होगा और अब ये और भी साफ हो जाएगा कि एक दफ़ा और चलने के ऊपर लेकिन आपको वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप खुद आकर अपनी आंखों से देखें आपको खुद वो लगेगा एक दफ़ा सरिया और मार दो ज़रा से और ज़्यादा अंदर जो जमा हुआ माल है ऊपर जो हमने डाला था वो जो साफ़ करने के लिए वो सही होकर आ जाएगा ये देखें जो फल डाली थी ना हमने पतली पतली ये देखो अब देखो आप आ रहा है साहब अब देखो अब ऑयल भर के आएगा ये आपके सामने आप आओ आपके सामने मशीन खोल के साफ करके दिखा के साफ डालेंगे और आपके सामने आए अपनी आंखों के सामने लें ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को शेयर करना सब्सक्राइब करना फेसबुक पर हमारे कारीगर की हाँ ये रियाज भाई ये कारीगर है आपके साथ कोऑपरेट करेंगे हाँ रियाज भाई आपके साथ कोऑपरेट करेंगे आ जाओ ये देखो ये मशीन ये तेल निकाल रहा है सरसों का जो भी हमने कपड़े की है जो भी चीज़ का तेल निकल रहा है आपको निकल के देगा हाथ के हाथ हनीफ भाई ने आपको पूरी वीडियो लाइव करके दिखाई है ये हनीफ भाई की मोहब्बत में हमने इतनी स्पीड में काम किया है और इसमें मैं शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं किया है पूरी की पूरी वीडियो लाइव पर दिखाई गई है इसमें कोई रिंग नहीं साल में आखिरी में एंड देखे फुल तेल आ चुका है नीचे देखे चढ़ने के बाद आप देखे नीचे वीडियो लेके जाएँ अब हम इस पर हनीफ भाई को तेल भर के दे देखो तेल आ रहा है भाई वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करना चैनल को शेयर करना इसी में से तेल निकाल के अनीप भाई को देंगे ये देखें ये तेल आपके सामने निकालने देखो तेल की क्वालिटी और ये देखो थैली के अंदर तेल देखें ये अनीप भाई के लिए तेल तैयार किया गया है ओके इतना अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और ये देखिए ये तेल बिल्कुल खालिश तेल ये देखो बिल्कुल साफ है कोई कचरा नहीं है चलनी से साफ होने के बाद और ये साफ हो जाएगा अनीप भाई तुम्हारे हाथ पे लगा रहा हूँ देखो गर्म हो रहा है ये नॉर्मल गर्म कहलाता है नीम गर्म तेल होगा हीटर नहीं होगा नुकसान नहीं है चलो ठीक है और ये 5 किलो सरसों के अंदर 1/2 किलो तेल निकलता है हाँ 5 किलो 5 किलो सरसों के अंदर 1/2 किलो तेल निकलता है 1 किलो सरसों में 1 पाव तेल है 1 पाव तेल सही है सही है सही वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को शेयर करना सब्सक्राइब करना फेसबुक पे अलाउ कर लेना व्हाट्सएप पे नंबर पे फॉलो कर लेना सही है अल्लाह हाफिज़